बिहार विधानसभा 2020 का शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रालय विस्तार को लेकर हलचल की तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया गया एवं उप मुख्यमंत्री के रूप में कटिहार के तारकेश्वर प्रसाद एवं बेतिया के रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनाए गए एवं मंत्रिमंडल विस्तार में देवेश मिश्रा, मंगल पांडे, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी रहे। तो बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 का सातवीं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। इससे पहले की तस्वीरें, जिसमें काफ़ी मंत्रालय विस्तार को लेकर हलचल को दिखाई गई है, और इसमें जो मुख्य बात है, डिप्टी सीएम के रूप में कटिहार के तारकेश्वर प्रसाद एवं बेतिया की रेणी देवी हुई। तो यहां भाजपा की ओर से दो डिप्टी सीएम तय किए गए। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में तेज प्रताप को डिप्टी सीएम चुना गया था, लेकिन सातवीं शपथ ग्रह समारोह में नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं इनके पीछे एक ऐसा बल प्रयोग भाजपा की तरफ से की गई कि यहाँ नीतीश कुमार पूरी तरह से खुद पर निर्भर नहीं रहेंगे किसी भी डिसीजन को लेकर। यहाँ अधिक सीट लाने वाली भाजपा सरकार कहीं ना कहीं इस पर हावी रहेंगे, इससे ये प्रतीत होता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफ़ी हलचल रहने के बाद ही यह तय किया गया कि कौन बनेंगे बिहार का मुखिया एवं कौन बनेंगे उप मुखिया। पटना से सुभद्रजा एवं टीम की रिपोर्ट आंखों देखी। ये कैसे हो गया? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए शुरू कीजिए। आज हम यहाँ राजभवन में खड़े हैं, आंखों देखी में आपका स्वागत है। हाँ। आज के कार्यक्रम में बिहार सरकार का गठन होना है। आज नीतीश कुमार जी सातवीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। उस अवसर पर आज जो समारोह हो रहा है, वह सीधा प्रसारण के लिए हम यहाँ आंखों देखी तैयार हैं। और आज उम्मीद है कई मंत्री भी साथ में शपथ ग्रहण करेंगे। आप ना हमारे मुखिया देखें, और साथ साथ आज की जो सरकार है, इसको देखने से तब पता चलेगा इसके मंत्रिमंडल में अभी कितने लोगों को मंत्री परिषद में लिया जा रहा है, और आगे का भविष्य क्या होगा उस पर भी अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह बिहार के राजभवन में होने जा रहा है। सुन जारी रहिए। और आज जो कार्यक्रम है, उसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग राजभवन एकदम द्वार पर खड़े हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है, यहाँ और भी पूरी जनता, राजनेता, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। उसको देख करके भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी चिंता लोगों पर है, और लोग चाहते भी हैं जब जो सरकार बने उस सरकार से बिहार को बड़ी अपेक्षा है। चाहते हैं कि बिहार में फिर से नया बिहार हो, विकास हो, वो अधूरा है वह पूरा हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, यही उम्मीद है। बिहार में जो बेरोजगारी है उसकी समस्या का समाधान हो, किसानों के समस्या का समाधान हो, और महंगाई पर नियंत्रण हो, लोगों में शांति सद्भाव का संदेश जाए कि बिहार में जो विकास की आशा जनता रखती है वह विकास किस रूप में होगा। आज बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के साथ बदहाली है, मजदूरों का पलायन है, और ये सारी समस्या है। यहाँ जो आज हो रहे हैं, नल जल योजना का कुछ जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, वह कार्यक्रम को पूरा करने का भी इनके जिम्मे है। बड़ी चुनौती है बिहार को विकास करने के लिए। ऐसे में हम चाहते हैं कि नया जो सरकार बनने जा रही है, उस सरकार से लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि अभी जो वर्तमान में उसी क्षण में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार अच्छी सरकार होगी। मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा, उसमें सही सही लोग आएंगे, उनसे जो जनता को अपेक्षा है उस पर, उनके कुछ कसौटी पर वो खड़े उतरेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।